तो गाइस फाइनली आ गए हम अपने खेत में और ये 4-5 कट्ठा खेत होंगे और इसमें ना मूंग रोपाया है, इसमें मूंग रोपाया है और मूंग के साथ साथ घास भी है। ये घास है, गाय खाती है, भैंस भी खाती है। और गाइस बता दूँ कितना सारा धूप में ब्लॉग बनाना है, बड़ी मुश्किल है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। तो दोस्तों पूरा खेत में मूंग है, घास उस है और इधर पेड़ पौधा रोपे हैं, तो गर्मी है तो इस सबको भी पानी दे देते हैं। फाइनली आ गए हैं खेत में, देख रहे ना, और यहाँ तो और बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। तो गाइस देखिए मेरी लक्ष्मी जी है पूजा और मैं आया हूँ खेत ताम के, इना छोटका है। और तुम फाइनल बताओ मेरे साथ रहोगे कि देवर के साथ रहोगे? फाइनल बात बताओ, आज फाइनल हो जाए क्योंकि देखो मैं तो गंवार हूँ विलेज में, गांव में केदारी रहता हूँ, देखो ये हीरो जैसा है। बताओ हम आपके साथ मेरे ही साथ रहोगे? हाँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और जज होंगे। तो गाइस अब ना हम लोग ब्लॉग शुरू कर रहे हैं और अभी टाइम कितना हो गया है? 7:30, 6:30 लगभग 6:30 हो गया टाइम। और देखिए पूजा जी ना खाना बनाना शुरू कर दिया, यहाँ पे चूल्हे पे, चूल्हे पे बनता है ना डेली खाना जी। हाँ क्योंकि ना फाइनेंशियल कंडीशन बहुत लो है गाइज, इसलिए और कुछ इस प्रकार का ना मेरे मतलब घर के पास का व्यू जाता है, देख रहे ना। और आम बहुत फरा था ना, सब झड़ गया है जी। हाँ किसमें झरा, किसमें झरा? हाँ आंधी बिहार आया था तो ना झड़ गया। तो कैसे झरा ये पूछिए ना। तो कैसे झरा? आंधी बिहार से और पिलुआ उलुआ सबसे, पिलुआ सबसे गाइज। देखिए ना बहुत सारा आम फरा था, सब आम झड़ गया, फिर भी यहाँ पे कुछ बचा है और इधर भी बचा है एकदम लीची जैसा ना पूजा जी। जी तो गाइज आज ना ब्लॉग में स्पेशल ये है कि हम लोग जा रहे हैं कुदारी से तामने खेत को, और खेत में तामेंगे उसमें ना घास छिटाएगा, मतलब घास छिटाएगा। यहाँ विलेज मतलब विलेज एरिया में उसको ना गांव के भाषा में बोलते हैं कि खेत ताम के आज जनेरा या पट्ठा बोने जा रहे हैं भाषा। चलिए गाइज फाइनली चलते हैं और पूजा जी खाना बना रहे हैं, खाना बना रहे ना जी। हाँ। खाना में आज क्या बना रहे हैं? दाल भात घिवरा की सब्जी। दाल भात घिवरा की सब्जी बनेगा गाइज, और चूल्हे पे ही गैस तो खत्म है ना जी। फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब है कि गैस भी नहीं भरा सकते हैं, और हम लोग भी वैसा ही है निकम्मा। और इधर भी हरा साग सब्जी लगे हैं, बाकी पेड़ पौधा आम। तो गाइज फाइनली चल रहा है, जा रहे हैं क्या जी? शिवम कहाँ है? बउवा चल गए कुदारी लेके। गाइज मेरा छोटा भाई ना वो दो को कुदारी लेके चल गया खेत में और हम लोग भी जा रहे हैं। खाना बन जाएगा ना तो फ़ोन करना जी, मार भात बन जाएगा तो कॉल करना, ठीक है ना? अच्छा मार भात। यस तो गाइस चलते हैं फाइनली यहाँ से और वहाँ पे जाना, वहाँ है ना वहाँ पे खेत तामना। फाइनली आ गए हैं चोरी में, वहाँ पे मेरा छोटा भाई है ना खड़ा, वहाँ पे खेत तामना, उसमें घास छिटना है मतलब घास बोना है। और यहाँ देखिए ये भी खेत ना मेरा है, इसमें मम्मी मूँग तोड़ रही है, इसमें भी मूँग है और घास सब देख रहे हैं ना, ये चारा जो होता है ना गाय का पठा जनेरा बोलते हैं इसको, ये चारा वहाँ पर छिटना है, यहाँ पर भी है, इसमें ख़त्म होने वाला है अभी। और देख रहे हैं मम्मी मूँग तोड़ रही है, सुबह सुबह भी 5:30-6:30 होता होगा, टाइम देख लेता हूँ, 6:30 हो रहा है टोटल मतलब गांव में ना विलेज। तो दोस्तों देखिए गांव का ना जिंदगी ऐसा होता है, सुबह सुबह चाय भी, मम्मी तो चाय भी ना पिए, हम लोग चाय भी पिए हैं। और वहाँ पे शिवम तामरा ना, शिवम वहाँ पे देख रहे खेत तामरा, यही शिवम जी खेत तामरा, तो यहाँ भी वो भी चाय पिए, हम भी चाय पिए, लेकिन मम्मी तो चाय भी नहीं पिए और आगे ये खेत में मूँग तोड़ने। और सुबह सुबह ना ऐसा ही होता है, अब गाँव में धूप ज़्यादा रहता है, धूप उगने से पहले काम को समेटना रहता है 10-11-12 बजे तक, और उसे भी अभी आप लोग तो जानते हैं कितना ग्लोबल वार्मिंग है तो हालत ख़राब हो जाता है, इसलिए लगभग 11 बजे तक ना काम को समेट लेना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पे हम दोनों भाई जा रहे हैं खेत सामने और इधर मम्मी मूंग तोड़ रही हैं, और ये ना इसमें मूंग है और घास भी है, ऐसा ही घास वहाँ पर जा रहे हैं बोने, ये घास है ना ऐसा ही घास वहाँ पर ताम के उस खेत में छिटना है। और गाइस ग्लोबल वार्मिंग इतना ना, ग्लोबल वार्मिंग बचाने के लिए आप लोग को कुछ ना कुछ करना चाहिए, जैसे हम लोग किए हैं, मैं और मम्मी मिल के देख रहे हैं ना सपेता के पेड़ है, ऐसा इस लाइन में लगभग 200 यहाँ से लेकर वहाँ तक लगभग 200 पेड़ रोपे हैं मैं और मम्मी मिल के, और शिवम है वहाँ पर मेरा छोटा भाई, वो पानी उसमें रखा था पेड़ में। तो गाइस अभी ग्लोबल वार्मिंग इतना है ना कि पेड़ पौधा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अगर आज के समय में पेड़ पौधा में पानी डाल दे तो कूलर में पानी डालने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो चलिए गाइस ज़्यादा नहीं फेंकना चाहिए, और जितना मतलब मेरे को लगता है कि अच्छा बात है सोच में समझ में उतना ही बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा नहीं तो आप लोग ईगो हर्ट हो जाएगा। तो इसमें तिल बोया है, तिल जानते हैं, तिल जो लाई बनता है, तिल इस खेत में तिल है, उसके जस्ट नीचे उसमें भी मूँग है। और गाइज ये ना तीन गो पेड़ है यहाँ पे कदम का, देख रहे हैं यहाँ पे तीन गो कदम का पेड़ है। और गाइज मैं बता दूँ कि इसमें कुछ अलग रोपाएगा लेकिन उसमें बिछन गिरेगा, इसको जो है ना इसमें ये वाला खेत जो है इसमें छीट के बिछन गिरेगा, और वो दोनों जो है हरा वाला दिखाई दे रहा है आरी के बाद, ये दोनों हरा वाला इसको ताम का इसमें घास से छीटना गाइज। उधर मिर्चाई है, शिवम के जस्ट पीछे प्याज है, प्याज मिर्चाई है, और इस दोनों में भी प्याज मिर्चा। जब माटी गिरा था 3 टेलर वहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर इसी को पैक कर रहे थे, पूरा लगभग पूरा दिन लगा 3 टेलर माटी फेंकने में, और फिर मैं और पापा और शिवम तीनों आदमी मिल के इसको पैक किए हैं, या बोर्डिंग है तो बोर्डिंग ऊपर में रहेगा तो अच्छा रहेगा, बोर्डिंग सेपरेट हो जाएगा, ढक ढक नहीं करेगा, और
चलिए आज फाइनली जिस लिए आए हैं ना उस काम को करते हैं, मतलब जिस काम के लिए आए हैं उस काम को करते हैं। आए हैं दोनों भाई, इस खेत को तामना है, इसमें घास छिटाएगा तो इसको पहले ताम लेते हैं। फाइनली आ गए खेत में, खेत तामने के लिए, और इसी दोनों खेत, इस खेत को और इधर है ना, इस दोनों, मतलब इस दोनों को क्या कि ताम के और इसमें घास छिटना है। ये जो है ना, ये वाला जो दिखाई दे रहा है घास, वैसा ही घास इसमें, वैसा ही चारा इसमें छिटाएगा गाय, और तो वो गाय के लिए अच्छा रहेगा। और मम्मी पापा घास उस काटते रहते हैं, और एज भी ज़्यादा हो गया है अभी, लोग 60-70 साल को गए फिर भी माल जाल में लगे हैं, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ नहीं कर पाए हैं, सरकारी नौकरी या कुछ भी, और इतना रुपया नहीं है कि बिजनेस करूँ, तो इसी समय लगना पड़ता है। और मेरे भैया है जो कंपनी में 10,000-12,000 पे काम कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके से घर चल रहा है गाइस, और इसीलिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे ना, बहुत गलत बात है गाइस, सपोर्ट करना चाहिए। एक सब्सक्राइब और लाइक शेयर करने में क्या जाता है, आप लोगों को ऐसा करना चाहिए गाइस। तो चलिए कोई बात नहीं, खेत को ताम लेते हैं, इसमें घास छिट देते हैं, गाय खाएगी दूध देगी, और उसी से तो घर भी चलता है, और भैया भी कुछ देते हैं उससे भी घर चल जाता है गाइस। चलिए फाइनली तामते हैं। दोनों लगभग लगभग एक कट्ठा जमीन होंगे, 10 दूरी है दोनों, तो इसको तामने में कितना टाइम लग सकता है? मिनिमम हम लोग 20 मिनट का टाइम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मैं हूँ और मेरा छोटा भाई भी है, दोनों आदमी मिलकर उसको तामेंगे ना, तो लगभग मैं 20 मिनट का टाइम लेकर चलता हूँ टारगेट बना के। 20 मिनट में होता है कि नहीं आप लोग जरूर देखिएगा गाइज, ब्लॉग में बने रहे हैं। देख रहे हैं इतना ताम लिया, और इस सभी को जितना हरा दिखा दे रहा ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक इस दोनों खेत को दोनों भाई मिलकर ताम लेते हैं। और आपको देखिए विलेज लाइफ का ना कुछ एरिया है, देखिए गांव का एरिया कितना अच्छा होता है, विलेज लाइफ में एकदम हरा भरा दिखाई दे रहा, पूरा चौरी एकदम हरा हरा दिखाई दे रहा होगा आपको, देख रहे हैं। और मेरा घर ना यहाँ पे उंगली के सामने जस्ट आपको एक घर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस खपरा वाले से बगल में दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा, वही मेरा घर है, देख रहे हैं ना, मतलब पूरा विलेज लाइफ है गाइस, पूरा विलेज लाइफ, पूरा हरा भरा। और इतना गर्मी है फिर भी गर्मी महसूस नहीं होता, फिर भी अब हद से ज़्यादा गर्मी ना है, ग्लोबल वार्मिंग है, पेड़ पौधा कट गया है, बारिश नहीं हो रहा है। वैसे कल थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ था, इसलिए इसमें घास बोने आए हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना हाल है, थोड़ा थोड़ा नमी है, इसी नमी में घास जम जाएगा बहुत जल्दी, तो अच्छा रहेगा गाइस। तो चलिए फाइनली ताम लेते हैं। ये तो हो जाते हैं, लेकिन एक और ना है, कहाँ है आप, उल्टा है ना, टूटे से हमारा चप्पल ले लिए, क्या माँ आए हमारा चप्पल ले ले, कितना पहन ली चल सर, चल आज फाइनली आ गए घर पे, पूरा खेत उत्ताम के घास उस छिट गए ना शिवम, आज शिवम को कुदारी से लग गया था ना शिवम, तो देखिए फाइनली आ गए, पूरा खेत दू को तामे हैं। और देखिए ना आम दिखाते रहते आपको, कहे कि मुंह में पानी छूट रहेगा तब ना ठंडा पड़ेगा। और गाइस मैं बता दूं कि हम और शिवम मिल के पूरा खेत तामे हैं और घास छिटे हैं आज, और क्या बोलूँ मैं। और गाइस गोर ना कटा गया है मेरा, तनका गोर कटा गया ना शिवम, और तैयो ताम है, तैयो किसी को कोई फर्क ना पड़ा है। अरे आ गई देखने, देखिए ना गाय जी देखने आ गई के
हाँ तो है तो क्या है ध्यान ही ना रहता है कुछ उठे। अब इलाज करे कौन नंदनी के बाबा की दादी कहला सिर्फ चर्चा है तो कहे मम्मी जी साथ में अच्छा तो गाइस देखिए मेरी लक्ष्मी जी है पूजा और मैं आया हूँ खेत ताम के इना छोटका है और तुम फाइनल बताओ मेरे साथ रहोगे कि देवर के साथ रहोगे फाइनल बात बताओ आज फाइनल हो जाए क्योंकि देखो मैं तो गवार हूँ विलेज में गांव में किरदार करता हूँ देखो ये हीरो जैसा है बताओ आप आपके साथ रहेंगे मेरे ही साथ रहोगे तो गाइस देखिए ये ना मेरे ही साथ रहेगी चाहे मैं कैसा भी हो जाऊँ ना जी लेकिन मैं खेत में काम करता हूँ गवार हूँ मैं देखिए ना गोर कटा गया है रिएक्शन तो ना बहुत जोर से बाबू कैसे काट लिया दिमाग ना है जोर से तो देखिए ना पूजा जी मेरा गोर कटा गया आपको ना मालूम है मालूम आप अच्छा से पहले काम करते हैं जूस खाली ना जैसे मर्जी तैसे करते रहते तो थोड़ा भी ध्यान ना देते कि हम मेरा पैर कटा जाएगा कहीं कुछ हो ना जाए दोस्तों तो फाइनली देख रहे हैं मम्मी अकेले पूरा काम करती है प्लस में घास भूसा गाय का खाना पीना और गाय को भी धो रही है इतने धूप में इतना गर्मी ना कि गाय को डेली धोना पड़ता और मम्मी अकेले ही धोती है और फिर हम लोग भी मिल के काम करते हैं मैं तो खेत ताम गया था तो फिर हम भी आ गए और मैं मम्मी के मतलब साथ में पानी से गाय को धो दिया अच्छा से गर्मी ना तो उसको धोना ज़्यादा ज़रूरी है और ये जर्सी गाय इसका ना 14 से 15 लीटर दूध होता है तो इसको धोना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सीमन का बच्चा है सीमन का सांड का नहीं सीमन से मतलब ये गाय का बच्चा ना जन्म लिया हुआ है इसलिए इसको धोना ज़्यादा ज़रूरी है बहुत गर्म होता है तो ठीक है गाय इसको धो लेते हैं दोस्तों देख रहे हैं मेरा घर इस प्रकार का है और यहाँ ना आम भी फरा है ठंडा है और फिर भी गाय बहुत गर्मी है यहाँ बहुत गर्मी मौसम है और दोस्तों मैं ना आज अपने घर का टूर करवाता हूँ और अगल बगल से भी दिखाने का कोशिश करता हूँ तो दोस्तों देख रहे हैं ना इस प्रकार का घर है और इस घर कितना टूटा हुआ है और देखिए सूरज का रोशनी कितना तेज से आ रहा है ऊपर से और गाय बता दूँ कि बहुत गर्मी है और देखिए इधर पूजा जी यहाँ खड़ी है गर्मी लग रहा है जी। इसको भी गर्मी लग रहा है देख रहे हैं ना इसको भी गर्मी लग रहा है अब गर्मी लग रहा है ना देखिए आम खा के ना आम खा के घाव कर लिए और दोस्तों मैं बता दूं यहाँ से ना मेरे घर के गेट है यहाँ से बाहर आते हैं और ये मेरा साइकिल है और गाइस यहाँ ना मेरा घर देख रहे हैं ना इस प्रकार का है और तो दोस्तों यहाँ से मेरे घर के अंदर जाने का रास्ता है और ये जलावन सब यहाँ पर रखा हुआ है और देख रहे हैं यहाँ पेड़ भी है बहुत सारा कदम का पेड़ भी बहुत पका हुआ है और इधर गाइस बहुत गर्मी है और दोस्तों मैं आज ना अपने खेत में ले जाऊँगा आपको घुमाने यहाँ से आते हैं ना यहाँ से रास्ता है घर का और गाइस वहाँ पे खेत है वहाँ पे खेत है वहाँ पे बोटिंग है और यहाँ से घर के अंदर जाते हैं गाइस और यहाँ बहुत गर्मी है ओह और गाइस यहाँ से आते हैं अंदर घर के अंदर तो यहाँ पर ठंडा है गाइस और देखिए इधर मैं अपने गाय को दिखाता हूँ उफ बहुत गर्मी है गाय दोस्तों बहुत गर्मी है और देखिए यहाँ गाय रहती है इधर और यहाँ पे अरनेमा अरनेमा आम सब का पेड़ है गाय और देखिए यहाँ गाय है इसको भी गर्मी लग रहा होगा बहुत गर्मी है देखिए ये हमको उधारे देखे कि ना तो मारने के लिए दौड़ेगी देख रहे ना इसको भी बहुत गर्मी है और दोस्तों देखिए दूरा पे ना क्या ये भिंडी सब और नेवा सब देख रहे हैं कितना फरा हुआ है गजर गजर ऐसे इस प्रकार का भी हो जाता है यहाँ पे और यहाँ पे सूखने के लिए मूंग रखा गया है और देखिए सूर्य भगवान कितना ज़ोर से ताक रहा है इधर इधर शिवम और मम्मी सोई है ठंडी में और इधर पूजा जी यहाँ से देख रही है ना जी सेम चलना खेत मेरे वीडियो बनाओ जी एक डोल पानी ले चलना और गाइस तो मैं पूरे घर दिखा दी हूँ आसपास में आप जा रहा हूँ खेत में और मैं बता दूँ कि यहाँ ना बहुत गर्मी है और दोस्तों देखिए ये पूजा जी है अब पूजा जी को बहुत ही गर्मी है बहुत ही लेकिन ना यहाँ ना बहुत गर्मी है भारत में तो भारत में बहुत गर्मी है अब जा रहा हूँ खेत में गाइस
अब खेत देखा था, खेत में बहुत सारा पेड़ पौधा रोपा हूँ, तो उसमें जा रहा हूँ पानी पटा। हमको देख रही है कितना गर्मी कहाँ से आया है, देख रहे ना गर्मी है, इतना नहीं आएगा कैसे। और दोस्तों ओ बहुत गर्मी है, चलना से हम खेत में, खेत में अभी पानी पटा के, कितने गर्म है, पेड़ पौधा का पानी देकर अभी चलना। और दोस्तों फाइनली जा रहे हैं अब खेत में, पेड़ पौधा रोपे हैं ना वहाँ पे पानी देने, सपेदा का पेड़ रोपे हैं 100 लगभग, 100 होते ना सर, 100 पेड़ पौधा रोपे हैं, उसमें जा रहे हैं पानी देने। ओह जी हाँ ना, बहुत सारा धूप है, मौसम ख़राब है, तो जा रहे हैं पानी देने पेड़ पौधा में। और दोस्तों फाइनली आ गए हैं खेत में, देख रहे ना, और यहाँ तो और बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, यहाँ तो, और देख रहे हैं सूर्य भगवान को सीधा ऊपर से ताक रहे हैं। ओ भगवान सुन रहा है ना तू, जल रहा हूँ मैं, बहुत गर्मी है। और गाइस एक बात का आइडिया आया है, मैं सब एक बात का आइडिया आया है हमको, कैमरा पकड़ो तेरे को बताता हूँ, जितने मोबाइल गर्म है वो फाइल फट जाए। तो गाइस फाइनली आ गए हम अपने खेत में, और ये 4-5 कट्ठा खेत होंगे, और इसमें ना मूंग रोपाया है, इसमें मूंग रोपाया है, और मूंग के साथ साथ घास भी है, ये घास है, गाय खाती है, भैंस भी खाती है। और गाय बता दूँ कितना सारा धूप में ब्लॉग बनाना है, बड़ी मुश्किल है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। तो दोस्तों खेत में मूंग है, घास भी है, और इधर पेड़ पौधा रोपे हैं, तो गर्मी है तो इस सबको भी पानी दे देते हैं, और गाय बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी है। पहले पेड़ पौधा के मुँह कर देता लग में आता मुँह पर, एक बात बोलिए शिवम बोल ना, हाँ आइडिया आलो माथा में, अपना पर कितना पानी डालो तो गर्मी ना हटे वालो ना, उससे अच्छा कि पेड़ में पानी डालते हैं, बोलो ना। हाँ तो गाइस आप पेड़ में पानी डालते हैं, क्योंकि पेड़ बड़ा होगा उगेगा तो जरूर गर्मी शांत होगा, ग्लोबल वार्मिंग हटेगा ना तो अपने आप गर्मी हट जाएगा, अब पेड़ में पानी देते हैं क्या, कितना गर्मी शांत करेगा तो पेड़ लगा आ जाता पानी। लेकिन फिर एक बात का आइडिया आया लो कि अभी पानी देता हूँ तो थोड़े ना अभी गर्मी शांत हो जाता हूँ 20 साल के बाद तो पानी ज़्यादा गर्मी है गाइस, हमारा ठंडा लग रहा है, बहुत गर्मी है। पेड़ का सीन तो दोस्तों ये सपेदा का पेड़ है, और ये जब बड़ा होगा ना तो कुछ तो जरूर धरती पर से ग्लोबल वार्मिंग को कम तो जरूर करेगा, सीओटू की मात्रा का तो जरूर कम करेगा, पूरे 100 पेड़ है लगभग। और गाइस मैं अकेले जब 100 पेड़ लगा सकता हूँ तो देश में करेंट अफेयर में वैसे पढ़ता रहता हूँ कि 150 करोड़ था, अब तो 160-170 करोड़ हो गया है, अगर लोग एक एक भी पेड़ लगाए तो 160 करोड़ भारत के क्या पूरा दुनिया के ग्लोबल वार्मिंग हट जाएगा गाइस एक बार में। बहुत गर्मी है अब लेकर अभी मोबाइल अब फूले वाला हो, फूटे वाला मोबाइल अब फूटे वाला ही लगे छै, गरम बहुत हो रिकॉर्ड हो चुके ना, बंद हो जात रहै छै, हो रहल है। कैमरा हिलाए लगना शूटिंग करिए, और दोस्तों मैं खेत में तो पानी डालते हूँ पेड़ पौधा में, लेकिन ये सब ना बड़ा होगा तो ठंडा देने में लगभग 1-2 साल टाइम लगा देगा, तब तक तो गाइस बहुत गर्मी है, ओ बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। तो दोस्तों फाइनली सारा खेत दिखाने का मैं प्रयास किया हूँ, तो बहुत गर्मी है, और आप लोग देखने का भी प्रयास किया होगा, और मैंने पूरा प्रयास किया हूँ दिखाने का, मैंने जितना भी पेड़ पौधा रोका हूँ सारा दिखाया हूँ आपको। तो गाइस बहुत गर्मी है, बहुत ठंडा, बहुत गर्मी है, बहुत ठंडा है। हाँ ये वाला देन अब बंद कर। तो दोस्तों बहुत गर्मी है, अब गाइस फिर से जा रहा हूँ पानी लाने, और आपको पूरे चोरी घुमाने जाऊँगा, आसान जल्दी कोई दिक्कत ना है। इंडिया में हाय गर्मी।
दोस्तों तो आज ना इतना मौसम ना गर्म है कि पूजा जी नहाई है आज, और पानी से नहाई है कि तेजाब से, पानी से तेजाब। हमें बता दूं कि आज ना मौसम बहुत गर्म है और ब्लॉग भी नहीं बना पा रहे, इतना गर्म मौसम है। हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं। और साथ में ब्लॉग बनाना था आज, तो साथ में आज ब्लॉग बनाना था ना, गर्मी इतना कि कहीं जा ही नहीं सकते, इसलिए कॉले पर ब्लॉग बना रहे हैं। और गाइज मैं आपको पेड़ पौधा तो मैं दिखाया हूँ, दिखाया हूँ ना। तो गाइज ठीक है, ब्लॉग को एंड कर दें क्या? जी हाँ। आप चारों बगल से घूम घूम के ले चलिए क्या तरह से ना। पीछे से समझे माथा देखो खोरुच ना से सिंचा। कामों समय कहीं बाल न घुस जाए। चलो बोल हो गया। हाँ अब वही बात से ले इतना। सम वीडियो बनावे ना में ना संकोच ना करिए, जखनी कबो तखन ता। हां मालूम अभी भर दिन वीडियो पर आ जाए, मोबाइल में सब वीडियो खत्म हो जाते ना, तो डेली बनावे या डेली अपलोड कर देबे, टेंशन ना रहते। एक मिनट के हो गए, तुम क्या सामने से ले इतना ना, इतना दूर इससे मतलब दूर से सामने से लेते रहिए वीडियो। हमारा दोनों को रास्ते ना रहा लो। हाँ रुक जाना ना सुने, हमारा दोनों को रास्ते ना रहा लो। हाँ अब पानी धरे पूजा जी। सुनो ना आई बार मोबाइल लता है बार खोकर हूँ आपके तो पर माथे हैं मोबाइल पंतियाँ पता चल गया। ये आता कहाँ से? गर्मी को रुक जा तुम खोकर दो ना। मैं पहले काम किया पर आपको तो रोज बाल धोना चाहिए। हमें ना धोते हैं रोज, मतलब हमें एक दिन बीच करके धोते देखो। मालूम है केस काला टूटा है, बड़का बड़का नहीं के ले। हाँ बाप रे हाँ। तो कहना गर्मी पर इसलिए बाल में अति ना हो जाता है माथा में। आपके माथा में कौन से दिन से बहुत थे कवक से? हाँ अरे कल ने हमारा माथा मजे के जाए थे इंफू से, कल माटी ढोली ना। हाँ। तो कला हुआ यो टूट रहे थे बहुत अति सब थे कौन दिन लिखा थे। हाँ अब उठा कितना अच्छा केस कटवाएं का काम नहीं आते। फिर बाद में तो बात सीखा, ये सब तो बाल के तोड़ते रहते हैं। अब शिवम नेट खोल गया, टिप टिप बरसा वाला पानी खोजो, गाना खोजो।